लंबे समय तक गोरी बेदाग और चमकदार त्वचा पाना चाहते हैं, स्किन के कालेपन, दाग धब्बे, छाइयां, झुर्रियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज की होम रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। आज की जो होम रेमेडी है आपके सांवले स्किन से छुटकारा दिलाने वाली है, स्किन के कालेपन को दूर करने वाली है, स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइट, लाइट एंड ब्राइट बनाने वाली है, तो एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हम पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बदलते मौसम और बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले हमारे फेस पे दिखने लग जाता है, चेहरे पे बहुत ही ज्यादा डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन होने लग जाते हैं, रिंकल्स पड़ने लग जाती है, फाइनेंस होने लग जाती है, डार्कनेस होने लग जाता है, डल स्किन हो जाती है, जिस वजह से और भी ज्यादा उम्र से अधिक दिखने लग जाते हैं, स्किन पर बहुत ही ज्यादा कालापन दिखने लग जाता है। तो आज की रेमेडी स्पेशली सांवले स्किन वालों के लिए बेस्ट है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज की होम रेमेडी, जिसके लिए सबसे पहले हमने कुछ आलमंड्स भिगो के रखने हैं, तो ज्यादा नहीं चाहिए, एक दो आलमंड्स हमें लेने हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ये हमारे स्किन के लिए। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं, जो स्किन से झाइयां, दाग धब्बे, झुर्रियों को दूर करने में मदद करती है, स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करती है, स्किन को नरिश करती है, मॉइस्चराइज रखती है और भी ज्यादा बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसको हम छिलके निकाल लेंगे और इसको हमें घिसना है, या फिर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या फिर सिलबट्टे पर भी घिस सकते हैं। तो इसको घिसने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध हमें लेना है कुछ इस तरीके से, इसके बाद इसे घिसेंगे और इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर जैसा बन करके रेडी होगा, जो कि हमारे स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा असर करेगा ये स्किन पे। जितने भी फाइन लाइन्स हो रही हैं ना, रिंकल्स पड़ रही हैं, जितने भी डार्कनेस डलनेस हो रही है ना, वो सब दूर हो जाएंगी। तो लगभग 2 बादाम मैं ले रही हूँ और इसको हम घिस लेंगे, बहुत ही ज्यादा ये अच्छा होता है और घिसते समय भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी होता है। तो थोड़ा सा दूध बीच बीच में हमें डालते जाना है फ्रेंड्स, कच्चा दूध भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, स्किन को अच्छे से डीप क्लीन भी कर देता है, डार्कनेस को भी दूर करने में हेल्प करता है। तो इसमें हम थोड़ा सा और कच्चा दूध मिक्स कर लिए है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल को पीस करके आप पाउडर बना करके रख सकते हैं, स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है और बहुत ज्यादा रेमेडीज मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है। मसूर दाल काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्किन के दाग धब्बे, झुर्रियों, छाइयों को भी खत्म करता है, कालेपन को खत्म करता है, स्किन पर तेजी से ग्लो लाता है। थोड़ा सा इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे, जो कि अच्छे से स्किन को साफ करेगा, एक्सफोलिएट करेगा और स्किन पर अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की समस्या वो भी दूर हो जाएगी, स्किन को चमकदार भी बनाने में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा वाइल को भी सोखता है। तो अभी का जो मॉनसून सीजन चल रहा है, जिसमें स्किन कभी ड्राई कभी वाइली जैसे दिखने लग जाती है, चिपचिपी होने लग जाती है, तो इन सबसे भी छुटकारा मिलेगा। फिर इसमें रोज वाटर भी ऐड कर लेंगे, नहीं तो आप चाहे तो फिर कच्चा दूध ही ले सकते हैं, लेकिन जब मैं बना रही थी रेमेडी तो थोड़ा सा ज्यादा ही रोज वाटर पड़ गया था। थोड़ा सा इसमें हम हनी भी ऐड कर लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड, थोड़ा सा ज्यादा रोज वाटर पड़ गया था, तो ये पेस्ट जो है हल्का पतला हो गया, पेस्ट जैसा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा सा हमने इसमें चने का बेसन ले लिया, या फिर ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, नहीं तो मसूर दाल पाउडर ही डाल ले उतनी क्वांटिटी में। थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी ऐड कर लेंगे, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन पे गोल्डन ग्लो लाता है और स्किन के दाग धब्बे, झुर्रियों, झाइयों, कालेपन, इन सबको खत्म करने में हेल्प करता है। सबका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इस रेमेडी को आप बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं 2-3 दिनों के लिए। हफ्ते में आप कम से कम 3 दिन जरूर लगाइए, या फिर आप चाहे तो हर रोज भी लगा सकते हैं। किसी भी साबुन, फेस वॉश वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रेमेडी बन करके रेडी है। लेकिन किस तरीके से इसको लगाना है, इसके लिए प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मुल्तानी मिट्टी से बने हुए फेस पैक शेयर करी थी और इतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दिया था कि उसका ग्लो अभी तक मेरे स्किन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग बोलते हैं कि मेरी स्किन पहले से ही ग्लोइंग है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, जब भी इसमें मैं छोड़ देती हूँ तो स्किन से भी ग्लो चला जाता है और डार्क और डल स्किन होने लग जाती है। तो थोड़े से कच्चा दूध लेकर के मैं अपने स्किन को अच्छे से साफ करूंगी। वैसे तो मैंने फेस वॉश कर लिया हुआ था और सुखा लिया था स्किन को, लेकिन कच्चे दूध से हल्का सा स्किन को इस तरीके से अप्लाई करें ना, तो स्किन पे जितने भी डार्कनेस डलनेस है, मैल, कालापन, वो सब निकल जाएंगे, अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी स्किन और स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है अगली रेमेडी के लिए, यानी कि जो फेस पैक हमने बनाया है तो उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आप देखेंगे आगे। और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, आप देखते ही होंगे, कच्चे दूध से मैं स्किन को पहले साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही कोई रेमेडी अप्लाई करती हूँ।
तो हल्के से फिंगर टिप की मदद से स्किन को इस तरीके से हम मसाज भी करते रहते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनी रहती है, स्किन पे ग्लो बना रहता है और स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार दिखती है, टाइट जमा और खूबसूरत दिखने लग जाती है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कच्चा दूध जब हमारे स्किन पर सोख लेता है अच्छे से, उसके बाद हमें गीले कपड़े से रिमूव कर लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है चेहरे को, तो और भी ज्यादा चमकदार स्किन हो जाती है। और अभी तो रेमेडी अप्लाई करना बाकी ही है, तो सोचिए कितना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन भी सांवली है और आप चाहते हैं कि स्किन को तेजी से लाइट एंड ब्राइट बनाना, गोरी चमकदार बेदाग त्वचा पाना, तो इस रेमेडी को जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये रेमेडी आपके स्किन के शेड को लाइटन करती है। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपकी स्किन एकदम दूध सी गोरी हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप रेगुलरली लगाए ना तो बहुत ही जल्दी आप अपने स्किन टोन को जो है ना और ज्यादा फेयर होते हुए देखेंगे। तो चलिए जो फेस पैक हमने बनाया था इस रेमेडी को इस तरीके से हमें अप्लाई कर लेना है, लेकिन लेकिन अभी तो फेस पैक जैसे लगाना नहीं है, पूरे फेस पे नेक पे लगा करके थोड़ा सा हमने कच्चा दूध हाथ पे ले करके इस रेमेडी को हल्के हाथों से मसाज करते हुए अप्लाई करना है, और मसाज भी करना है कम से कम 5-7 मिनट के लिए। मसाज भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और एकदम हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो अच्छे से स्किन की स्क्रबिंग भी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किन पर जो व्हाइट हेड्स पड़ने लग जाते हैं, ब्लैक हेड्स होने लग जाते हैं, वो सब दूर होने लग जाएंगे, और स्किन पे जो खुरदुरापन आप देखने को मिलता होगा कभी कभी, जो स्किन खुरदुरी सी दिखने लग जाती है, वो सब दूर होगी, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम और चमकदार दिखने लग जाएगी, एकदम क्लियर और स्मूथ होने लग जाती है स्किन, और रिंकल्स फाइलेंस की समस्या दूर होती है। और कुछ मसाज के स्टेप्स आप लोग के साथ फॉलो कर रही हूँ, तो इस तरीके से अगर आप मसाज करें ना तो फेशियल से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्किन को अपर डायरेक्शन में मसाज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, इससे आपकी स्किन कभी बूढ़ी नहीं होगी, स्किन कभी लटकेगी नहीं, और एकदम टाइट और जवां स्किन आपकी होती रहेगी, और झुर्रियाँ झाइयाँ ये सब भी हल्के होते रहेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत ऐसे रगड़ रगड़ के तेजी में कर रही हूँ साफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एकदम हल्के हाथों से जब आप मसाज करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे स्किन की शेड ऐसी लाइटन होती हुई नजर आएगी, और स्किन बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखने लग जाएगी, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो चलिए अब रिमूव कर लेते हैं। तो गीले कपड़े से स्किन को पोंछ लेना है, साफ कर लेना है, इससे क्या होगा जितने भी स्किन पर डर्ट डस्ट मैल गंदगी सब पड़ी होगी वो सब निकल जाएगी, अच्छे से स्किन की स्क्रबिंग हो गई, क्लीजिंग हो गई है, मसाज भी हो गया, एकदम फेशियल के जैसे वर्क करने वाला है ये रेमेडी, ऑल इन वन मतलब फायदा देने वाला है, और इफेक्टिव रिजल्ट इंस्टेंट ग्लो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए फेस पैक के जैसे इस रेमेडी को अप्लाई कर लेना है, जो बची हुई रेमेडी है पूरे फेस पे नेक पे हमें अच्छे तरीके से लगा लेना है, और उसके बाद 20 से 30 मिनट के लिए रुकना है। और जैसे ही आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे ना, सचमुच हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो देख पा रहे पूरे फेस पे नेक पे लग गया, और 20 मिनट के बाद इस तरीके से सूख पाया है। तो अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, और यहाँ का तो सीजन ऐसे ही ठंडी ठंडी होती रहती है, जिस वजह से मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई जैसे ही रहती है, नॉर्मल टू ड्राई कह सकते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने रिमूव किया, सच में जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी कोई रेमेडी लगाए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो जाता है कि चलिए मेहनत कुछ तो रंग लाई, और वो मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना और आप लोग पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो आप लोग का प्यार आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो नॉर्मल पानी से हमने चेहरे को धो लिया, उसके बाद हल्का सा रोज वाटर स्प्रे कर लिया अपने चेहरे पर, फिर उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। और दिन में आप रेमेडी लगा रहे हैं ना तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए, और धूप में नहीं भी जा रहे हैं ना फिर भी सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है स्किन के लिए, तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ये सब जरूर लगाइए, अपने स्किन का ध्यान रखते रहिए, खुद का ख्याल रखते रहिए, और हमें यूं ही अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले रही हूँ, जो रेगुलरली लगाती हूँ, उसमें SPF भी है थोड़ा बहुत, और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग दिख रही होगी सचमुच। और कोई मतलब आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल हो या फिर अपना फीडबैक देना चाह रहे हो तो प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मैं कितनी बार एक ही बात बोल रही हूँ ना।
सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, दिल से शुक्रिया आप लोगों का, दिल से धन्यवाद। और सचमुच आप ऐसे ही चौंकने वाले हैं और ऐसे ही खुश होने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, इसको आप हर रोज लगाइए, नहीं तो वीक में कम से कम 3 दिन तो जरूर लगाइए। स्किन का सांवलापन दूर हो जाएगा, कालापन दूर हो जाएगा, दाग धब्बे, चुटिया, छाइया, मैल सब दूर होने लग जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।